Welcome again students, this is my second part of this video, and in this previous chapter, previous video, I will already understand about feet and claws. Okay, so let's continue to the chapter. Perching birds like crow and sparrow use their feet to hold on tree branches and sit on them. They have three toes in front and one at the back. This type of feet help the birds to hold on to a branch. They can even sleep while they perch. Perching birds जो होते हैं जैसे कि क्रो और स्पैरो वो अपने फीट को यूज करते हैं ब्रांचेज यानी कि शाखाओं में बैठने के लिए और होर्स को पकड़ के रखने के लिए. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो उनके जो टोज होते हैं वो तीन होते हैं. ठीक है, फ्रंट में दे हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड मतलब तीन आगे होते हैं और एक पीछे होते हैं. तो यही इसी टाइप के फीट जो होते हैं ना वो उनको हेल्प करते हैं ब्रांचेस को पकड़ के रखने के लिए. ठीक है, और ये इनकी मदद से सो भी पाते हैं. फ्लैश हिटिंग बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर हैव वेरी शार्प क्लॉज कॉल्ड टेलोन्स. दिस क्लॉज हेल्प देम टू कैच एंड कैरी स्मॉल प्रे. फ्लैश हिटिंग बर्ड जो होते हैं जैसे कि ईगल्स और वल्चर, उनके जो क्लॉज होते हैं ना उनको टेलोन्स बोलते हैं, वो काफी शार्प होते हैं. तो ये जो क्लॉज है इनको हेल्प करते हैं उनके छोटे छोटे ये प्रे यानी कि उनके शिकार को कैच करने के लिए. स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैन एंड पीकॉक डिग फूड फ्रॉम द ग्राउंड. दे हैव शार्प क्लॉज टू स्क्रैच द ग्राउंड एंड पुल आउट स्मॉल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स. स्क्रैचिंग बर्ड जो होते हैं जैसे कि मतलब कि हैन और पीकॉक, ये क्या करते हैं कि ये खोद कर ग्राउंड से अपना खाना निकालते हैं. ठीक है, तो उनके जो टोज होते हैं वो शार्प क्लॉज होते हैं. ठीक है, जिसकी मदद से वो ग्राउंड को स्क्रैच कर पाते हैं, इसीलिए इनको स्क्रैचिंग बर्ड कहा गया. स्क्रैच मतलब खोदना. ठीक है, तो इसी से खोद करके ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स को निकालते हैं. वाटर बर्ड्स लाइक डॉग एंड गूस हैव विफ्ट फीट. दे हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन टू एट द बैक. द फ्रंट टोज आर जॉइंड बाय फ्लैप्स ऑफ स्किन्स कॉल्ड वेव. द वेव हेल्प देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग. वाटर बर्ड्स जो होते हैं ना जैसे कि डॉग और गूस, ये जो उनके जो होते हैं फीट वो वेव्ड होते हैं. ठीक है, चौड़े. ठीक है, दे हैव थ्री टोज इन फ्रंट, तीन फ्रंट होते हैं और एक टू वन टू होता है बैक में. तो फ्रंट टोज होते हैं जो ज्वाइन होते हैं फ्लैप्स, यानी कि ये देखिए ये जो मिला हुआ है इनको फ्लैप्स बोलते हैं. ठीक है, जो ज्वाइन करके रखा है इसको उसको फ्लैप्स बोलते हैं. फ्लैप्स ऑफ स्किन बोलते हैं इसको, बोलते हैं वेव. क्या बोलते हैं? वेव. द वेव वेव करता है ना, ये वेव इन लोग को हेल्प करता है वाटर को पुश करने के लिए स्विमिंग के दौरान. वेडिंग बर्ड्स लाइक हेरॉन एंड क्रेन हैव लॉन्ग थिन लेग्स एंड स्प्रेड आउट टोज. दिस हेल्प देम टू वेड थ्रू वाटर टू कैच फिश. वेडिंग बर्ड्स जो होते हैं ना जैसे हेरॉन और क्रेन, इनके जो टोज होते हैं वो काफी लॉन्ग और थीन होते हैं जिसकी मदद से वो अपने फिश को कैच कर पाते हैं यानी कि पकड़ पाते हैं. नेस्ट. ओके, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स. दे बिल्ड देयर नेस्ट इन अ सेफ प्लेस वेयर द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर. मोस्ट बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स, स्ट्रॉ, ट्विग्स, थ्रेड एंड कॉटन. डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट. बर्ड जो होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं ताकि वो अपने उसमें अंडे दे सकें, और वो या अपने यंग वंस यानी कि अपने बच्चों को भी उस सेफ प्लेस के लिए अपने एनिमीज और बैड वेदर मतलब कि खराब मौसम से बचाते हैं. ज्यादातर बर्ड्स जो होते हैं वो अपना नेस्ट लीव्स, स्ट्रॉ, ट्विग्स और थ्रेड और कॉटन से बनाते हैं. ठीक है, तो अलग अलग बर्ड्स अलग अलग तरह के नेस्ट बनाते हैं. जैसे कि यहाँ पर है द टेलर बर्ड्स. टेलर बर्ड्स यूज इट बीक लाइक अ नीडल टू सीव लीव्स टुगेदर टू बिल्ड अ नेस्ट. टेलर बर्ड जो होते हैं ना वो अपना बीक यूज करते हैं एक सुई के जैसे, इसके मदद से वो लीव्स को एक साथ जोड़ जोड़ कर अपना नेस्ट बनाते हैं. द वीवर बर्ड. द वीव्स पीस ऑफ ग्रास, लीव्स और ट्विग्स टू बिल्ड अ नेस्ट. वीवर बर्ड जो होती है ना वो पीस यानी कि छोटी छोटी ग्रास को बुनती है लीव्स और ट्विग्स अपने नेस्ट को बनाने के लिए. द वुड पैकर यूज इट बीक टू पिक अ होल इन टू ए ट्रंक, ट्री ट्रंक. ये जो वुड पैकर है ये पेड़ में ही अपना होल बनाकर अपना नेस्ट बनाती है. द पेंगुइन कलेक्ट पेबल्स एंड स्टोन टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड. पेंगुइन जो होती है वो कलेक्ट करती है पेबल एंड छोटे पत्थर और स्टोन्स अपना नेस्ट बनाने के लिए जमीन में ही. ओके, नेक्स्ट है हाउ डू बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स हैव थिन होलो बोन सो दे हैव अ वेरी लाइट बॉडी. दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप दैट इज देयर बॉडी इट नैरो एट द बोथ एंड्स एंड ब्रॉड इन द मिडिल. दिस हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर. द विंग्स आर अट्रैक्टेड टू द बॉडी विद स्ट्रॉन्ग मसल्स. द मसल्स हेल्प देम टू फ्लैप देयर विंग्स. बर्ड्स जंपिंग टू द एयर दे फ्लैप देयर विंग्स बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन टू फ्लाई. दे यूज देयर टेल टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग एंड बर्ड्स स्प्रेड आउट देयर विंग्स टिल इट रीचेस टॉप. बर्ड्स जो होते हैं ना उनकी बोन्स जो होते हैं काफी पतली और होलो मतलब खोखले होती हैं जिसकी मदद से उनकी बॉडी हल्की होती है. ठीक है, उनके बॉडी में एक स्ट्रीमलाइन शेप होता है उनके मिडिल में, तो ये हेल्प करता है वो हवा को काटने में. ठीक है,
तो इनके जो विंग्स होते हैं वो काफी अटैच्ड होते हैं उनकी बॉडी से, स्ट्रांग मसल से. तो ये मसल्स हेल्प करती हैं उनको विंग्स को फ्लैप करने के लिए. बर्ड्स जंप करती हैं एयर में अपने विंग्स को फ्लैप कर करके अपवर्ड और डाउनवर्ड की मतलब डायरेक्शन लेके उड़ने में. वो टेल को यूज करती है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है, उड़ने के समय. तो बर्ड्स स्प्रेड करती है अपने विंग्स को, टेल और फीट को मदद करती हैं रोकने में, अपने आप को रोकने में.